नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि चिकनी तोरई की खेती कैसे करें, उसके लिए उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, आप अपनी फसल की देखभाल कैसे करें और इस वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर आपको चिकनी तोरई की कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी हुई अन्य नई नई तकनीकियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी आपको अच्छी लगे तो यह जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं चिकनी तोरई की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। किसान भाइयों, चिकनी तोरई कद्दू उर्गीय सब्जियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक गुणों से भरपूर सब्जी है। इसका अंग्रेजी नाम स्पांज गार्ड एवं वनस्पतिक नाम लूफा सेलेंड्रिका या फिर लूफा इजिप्टिका है। इसकी खेती देश के लगभग सभी राज्यों में सुगमता पूर्वक की जाती है। चिकनी तोरई के कोमल मुलायम फलों को सब्जी के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके सूखे बीजों से तेल भी निकाला जाता है। फल में अधिक मात्रा में पानी होने के कारण इसकी तासीर ठंडी होती है। यदि आप अन्य कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती की जानकारी चाहते हैं वैज्ञानिक तरीके से या आधुनिक तरीके से किस प्रकार करें, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में सूक्ष्मता से पढ़ सकते हैं या तो फिर हमारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी सुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों चिकनी तोरई की खेती की प्रक्रिया की। उसके लिए सबसे पहले है उसकी खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त रहती है। चिकनी तोरई की खेती के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती ग्रीष्म यानी जायद और वर्षा खरीफ दोनों ऋतुओं में सफलतापूर्वक की जाती है। इसकी खेती के लिए 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम माना गया है। अब बात आती है किसान भाइयों भूमि का चयन। किस प्रकार की भूमि में आप इसकी अधिकतम पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। चिकनी तोरई की खेती उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट या फिर दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। 6 से 7 पीएच स्तर वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए आदर्श होती है, यानी जिस मिट्टी का मान 6 से 7 के बीच में है वो इसके लिए सर्वोत्तम है। अब बात आती है किसान भाइयों उन्नत किस्मों की। तो सबसे पहले है काशी दिव्या। इस चिकनी तोरई के तने की लंबाई 4.5 मीटर, फल बेलनाकार हल्के हरे व 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फल बुआई के 48 से 50 दिन के बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस किस्म के यह किस्म एंथ्रेक्नोज या फिर डाउनी मिल्ड्स के प्रति सहनशील है। इस किस्म की उत्पादन क्षमता 130 से 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद है किसान भाइयों पुस्सा सने है। यह चिकनी तोरई की किस्म के फल आकर्षक गहरे एवं हरे और 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। बुआई के 50 से 55 दिन बाद फल तुड़वाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस किस्म की उत्पादन क्षमता 200 से 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्ण प्रभा। इस किस्म के फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर व औसतन भार 150 से 200 ग्राम होता है। यह किस्म चूर्णिल असिता एवं मर्दुरोमिल असिता रोगों के लिए प्रतिरोधी है। बुआई के 70 से 75 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस किस्म की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है। कल्याणपुर अरी चिकनी। यह चिकनी तोरई की अगेती किस्म है। किसान भाइयों फल मध्यम आकार के पतले एवं गुद्देदार होते हैं। फलों पर हल्की धारियां बनती हैं। पौधों पर फल अधिक दिन तक रहने के बाद भी मुलायम बने रहते हैं। ये इस किस्म की खासियत है। इस किस्म के उत्पादन क्षमता 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है। राजेंद्र तोरई नंबर 1। इस चिकनी तोरई किस्म के फल हरे सफेद होते हैं और फलों की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। बुआई के 62 से 65 दिन में फल तुड़ाई योग्य हो जाते हैं।
यह खरीफ एवं जायद दोनों ऋतुओं में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है और इसकी औसतन पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पंत चिकनी तोरई नंबर एक। इस चिकनी तोरई किस्म के फल अरे बेलनाकार व लंबे 25 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। फल बुआई के 25 दिन बाद तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 140 से 170 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। ये तो थी किसान भाइयों कुछ किस्में, और आपको हम बता देना चाहते हैं कि यदि आपके क्षेत्र की कोई अन्य किस्म है प्रचलित है और इनसे अधिक उपज देती है तो आप उसी का उपयोग कीजिए, यानी प्रचलित और अधिक पैदावार देने वाले किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की, यानी खाद और उर्वरक। इसकी खेती के लिए चिकनी तोरई की अच्छी पैदावार के लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय खेत में मिलाते हैं। इसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 से 30 किलोग्राम पोटास की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालते हैं। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा बुआई के 30 से 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में जड़ों के पास देना चाहिए। अब बात आते हैं किसान भाइयों बुआई का समय। ग्रीष्मकालीन चिकनी तोरई फसल की बुआई फरवरी से मार्च तथा वर्षाकालीन फसल की बुआई जून से जुलाई में की जाती है। बीज की मात्रा एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में चिकनी तोरई की बुआई के लिए 3 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यह उसके अंकुरण और बीज के आकार पर निर्भर करती है। बुआई की विधि इस प्रकार है किसान भाइयों, बुआई के लिए नाली विधि सबसे उत्तम मानी गई है। इसके लिए इस विधि से खेत की तैयारी के बाद 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लेते हैं। इन नालियों के दोनों किनारों यानी मेढों पर 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई करते हैं। एक जगह पर कम से कम 2 बीज लगाना चाहिए और बीज अंकुरण के बाद एक पौध निकाल देते हैं, यानी एक बीज को पौधे को निकाल देते हैं। किसान भाई इसकी पौध ट्रे या फिर पोलोथीन तीन पद्धति से भी तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों सिंचाई प्रबंधन। चिकनी तोरई की वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा न होने की स्थिति में यदि खेत में नमी की कमी हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल की पैदावार सिंचाई पर निर्भर करती है। गर्मी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। पौधों को सहारा देना। सामान्यतः ग्रीष्मकालीन फसल में पौधों को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वर्षाकालीन फसल में पौधों को चढ़ाने के साथ ही रेलिस या फिर पंडाल बनाकर चढ़ा देना चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण युक्त तथा अधिक उपज प्राप्त होती है। खरपतवार नियंत्रण। चिकनी तोरई फसल के खेत को खरपतवार मुक्त रखने के लिए अनावश्यक क्रियाएं जैसे निराई गुड़ाई इत्यादि समय समय पर करता रहना चाहिए। पलावर का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। चिकनी तोरई की बुआई के बाद खेत में पलावर यानी मल्च का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। इससे मिट्टी का तापमान बढ़ने व नमी संरक्षित होने के कारण बीजों का जमाव अच्छा होता है और खेत में खरपतवार कम उगते हैं या उगते ही नहीं है, जिसके फलस्वरूप पैदावार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और नमी का भी संरक्षण होता है। अब बात आती है किसान भाइयों कीट और उस उनकी रोकथाम किस प्रकार करें। कद्दू उर्वरक ये फसलों में किसान भाइयों लगभग एक समान के ही कीट हानि पहुंचाते हैं, तो इनकी आप रोकथाम इस प्रकार कर सकते हैं। रेड पंपकिन बीटल जिसको कद्दू का लाल कीट कहते हैं, इस कीट के प्रोड सुंडिया दोनों ही चिकनी तोरई फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रोड कीट छोटे पौधों के मुलायम पत्तियों को खा जाते हैं जिससे पौधे पत्ती रहित हो जाते हैं। इनकी सुंडिया जमीन के नीचे पौधों की जड़ों एवं तनों में छेद कर देते हैं जिससे पौधा मर जाता है। रोकथाम किस प्रकार करें। संक्रमण के समय कार्बरिल 80 WP का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, कार्बरिल घुलनशील चूर्ण 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिर डाइक्लोरोवास 70 EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का बीज पत्री अवस्था में छिड़काव करें। खेत में सुंडी के गंभीर संक्रमण के समय क्लोरोफायरीफॉस 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल से मिट्टी को अच्छी तरह से तर कर दें और छिड़काव से पहले खाने योग्य फलों की तुड़वाई आप अवश्य कर लें। सफेद मक्खी। इस कीट के नीप व वैसक दोनों पौधों का रस चूसते हैं एवं पत्तियों पर इनके द्वारा
वर्षाजित मल द्वारा काले कजली मोल्ड्स विकसित हो जाते हैं जिसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। इसके अतिरिक्त यह नेनुआ के येलो मोजेक रोग के विषाणु को भी एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाते हैं। यानी नेनुआ का मतलब किसान भाइयों यहाँ चीकनी तोरई से है। रोकथाम, बीज को इमिडा क्लोरोपीड 70 WP या फिर थायमोथोक्साम 70 WS की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करनी चाहिए। संक्रमण के समय इमिडा क्लोरोपीड 17.SL 0.3 मिलीलीटर या फिर थायमोथोक्साम 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का 15 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव दोहराना चाहिए। पर्ण सुरंग कीट लीफ माइनर, इसके लार्वा चिकनी तुरई के पत्तियों में सुरंग बनाकर पर्णहरित यानी क्लोरोफिल को खाते हैं जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए 4% नीम की गिरी के अरक का छिड़काव प्रभावी पाया गया है। फूट फ्लाई यानी फल मक्खी, यह कीट के मैगेट चिकनी तुरई के नए विकसित फलों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। वयस्क मक्खियां मुलायम फलों के छिलके में छेद करके नीचे अंडे देती हैं। अंडों से मैगेट विकसित होते हैं जो कि फल को अंदर से खाकर सड़ा देते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा के समय अधिक आर्द्रता होने पर इसका संक्रमण अधिक होता है। रोकथाम, जहरीले चारा 10% गुण या फिर सिरा के साथ मेलाथियन 50 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या फिर कार्बरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के मिश्रण का खेत में 250 स्पॉट्स प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग करें। बलिस्टर बीटल, इस कीट के वैसक चिकनी तुरई के फल में फूलों को या फिर फूलों की कलियों को खाकर क्षति पहुंचाते हैं फसल में। सामान्यतः अगस्त से नवंबर तक इनका संक्रमण अधिक होता है। रोकथाम, नीम के बीज की गिरी के निचोड़ यानी NSKE 4% घोल का छिड़काव करें और घोल में 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर दर की हिसाब से सटीक कर मिला दें यानी चिपचिपा पदार्थ। अब बात आती है किसान भाइयों मूल ग्रंथि रोग। चिकनी तुरई की संक्रमित फसल में पौधों की वृद्धि कम हो जाती है। इस रोग से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा कभी कभी पौधे मर जाते हैं। रोकथाम, खेत में बुआई के समय कार्बोफुरान 3G की 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से आप डालें। अब कीट के बाद बात आती है किसान भाई रोग एवं उनकी रोकथाम। सबसे पहले है मर्दुरोमिल असिता, यह रोग फफूंद के कारण होता है। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में इसका प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों के ऊपरी सतह पर कोणीय पीले धब्बों के रूप में परिलक्षित होते हैं जो आगे चलकर पत्तियों की निचली सतह पर फैल जाते हैं तथा पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। रोकथाम, रोग के संक्रमण के समय जिन्हें 75 WP 0.15% या मैनकोजेब 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। अधिक संक्रमण के समय मेटालाक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% के 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव साप्ताहिक अंतराल पर करें। उसके बाद है चूर्णिल असिता, इस रोग के कारण फफूंद है और गंभीर रूप से संक्रमित पत्तियां भूरे रंग की होकर सिकुड़ जाती हैं। परिपक्वता से पहले ही पत्तियां झड़ जाती हैं तथा लताएं मर जाती हैं। रोकथाम किस प्रकार करें? बुआई से पहले थीरम, कैप्टान और कार्बेंडाजिम की 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। संक्रमण के समय डेनोकैप 48 EC 0.03% या सल्फर 0.2% के घोल का छिड़काव किसान भाइयों को करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों कोलर राट, यह रोग फफूंद जनित है। इसके कारण नवांकुरित पौधे मर जाते हैं। नए पौधों की अपेक्षा पुराने पौधे कम प्रभावित होते हैं इससे। रोकथाम के उपाय इस प्रकार हैं। बुआई के समय बीज को कैप्टान की 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उसके बाद है येल्लो मैजिक, यह एक विषाणु जनित रोग है। इसके कारण कभी कभी फल में 100% तक नुकसान हो जाता है फसल में। इस रोग का लक्षण पौधों की नई पत्तियों पर पीले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। गंभीर संक्रमण के समय पौधे की पत्तियां छोटे चित्तेदार व विकृत हो जाती हैं तथा फल अनियमित आकार के हो जाते हैं। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। रोकथाम के उपाय इस प्रकार है किसान भाइयों, चिकनी तुरई के पीला मोजेक रोग के प्रबंधन के लिए सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए दिए गए उपायों को अपनाना चाहिए जो कि हमने आपको पहले बताया है। और यदि
कीट व रोग रोकथाम की इससे अधिक जानकारी चाहते हैं आप, तो हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में आप सूक्ष्मता से पढ़ सकते हैं, या तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमारा वीडियो भी सुन सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों तुड़ाई और भंडारण की। चिकनी तोरई फसल के फलों की तुड़ाई हमेशा मुलायम अवस्था में करनी चाहिए। देर से तुड़ाई करने पर उसमें कड़े रेशे बन जाते हैं। फलों की तुड़ाई 6 से 7 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। पूरी फसल अवधि में लगभग 8 तुड़ाइयां की जा सकती हैं। फसलों को तुड़ाई उपरांत ताजा रखने के लिए ठंडे छायादार स्थान पर रखना चाहिए। फलों को ताजा बनाए रखने के लिए बीच बीच में उन पर पानी का हल्का छिड़काव करते रहना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों इस उपरोक्त वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर चिकनी तोरई की आपको कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है, वो इस प्रकार है किसान भाइयों। चिकनी तोरई की उपज किस्म और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है, परंतु उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर 250 से 400 या 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है आसानी से। तो ये तो थी किसान भाइयों चिकनी तोरई की खेती आप किस प्रकार करें, और मैं तो कहूंगा कि किसान भाइयों बहुत कम समय की फसल है और आप कीजिए, इसको अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अच्छी तरह से फसल की देखभाल करें तो। तो ये तो थी किसान भाइयों चिकनी तोरई की खेती कैसे करें। आपको जानकारी कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए, यानी कि यह जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि वीडियो में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपने यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।